झारखंड में बीजेपी ने अपना आंतरिक सर्वे कराया। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से कितना फायदा? क्या हेमंत को पटखनी दे पाएगी बीजेपी? झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। पार्टी ने 52 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उसने एक आंतरिक सर्वे भी करवाया है। सर्वे के नतीजों ने पार्टी नेताओं को चौंका दिया है। पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार राज्य में उसकी सरकार बन सकती है। बीजेपी ने यह आंतरिक सर्वे राज्य के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद कराया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 52 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। हालांकि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसे करीब 52 लाख वोट मिले थे। बीजेपी का मानना है कि इस बार वह विपक्ष में है, इसलिए उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना नहीं करना पड़ेगा। पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्षेत्र के हिसाब से चुनाव प्रचार करने की रणनीति बनाई है। पार्टी इस साल लोकसभा चुनाव में मिले 82 लाख वोटों को विधानसभा चुनाव में बढ़ाने की कोशिश करेगी। बीजेपी संताल परगना के आदिवासी क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण हो रहे जनसंख्या बदलाव के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। कोल्हान में भी पार्टी आदिवासी समाज के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएगी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी की रणनीति के हिसाब से सभी आदिवासी नेता अपने समुदाय को अपनी ही स्थानीय भाषा में घुसपैठ के नुकसान के बारे में बताएंगे। पलामू प्रमंडल, रांची, धनबाद जैसे शहरी इलाकों में युवाओं के बीच बेरोजगारी और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई मौत के मुद्दे को भी पार्टी उठाएगी। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य में चल रही सरकार के भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों से लोग नाराज हैं। बीजेपी का दावा है कि वह बड़ी संख्या में सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और स्वच्छ प्रशासन देखकर झारखंड का विकास करेगी। बीजेपी के प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि राज्य में जो सरकार चल रही है उसके भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों से लोग आक्रोशित हैं। बीजेपी बड़ी संख्या में सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और स्वच्छ प्रशासन देकर झारखंड का विकास करेगी।